गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं एक पेशेंट की बात सुनाऊंगा आपको। इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कुछ भी पढ़िए, होम्योपैथी से रिलेटेड जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स को मैं बोल रहा हूं, सीनियर्स तो ऑलरेडी मैं खुद उनको फॉलो करता हूं, क्यों पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ने से क्या है कि हमें वो सिम्टम्स याद रहते हैं। अभी जो वीडियो दिखा रहा हूँ इसमें ये पेशेंट बोल रहा है कि बच्चा जब पेशाब करता है और पेशाब जब ज़मीन पे पड़ा रहता है थोड़ी देर बाद वो सफ़ेद हो जाता है और दही की तरह जम जाता है। अब अगर ये मैंने कहीं पढ़ा है तो ये मेरे लिए डायमंड है ये सिम्टम, और अगर नहीं पढ़ा है तो ये कोयला है, गुजर जाएगा आसपास से। ढेर सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमें मालूम ही नहीं है कि ये सिम्टम है, क्योंकि मटेरियल मेडिकल का नॉलेज इतना अच्छा नहीं रहता। ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, ये एक बार में होता भी नहीं। मैं कभी या हम सब कोई भी डॉक्टर ये कभी नहीं कह सकता कि अब हम परिपूर्ण हो चुके हैं। डॉक्टर डीपी रस्तोगी से मैं कई बार मिल चुका हूँ, एक जाने माने प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर थे। वो मुझसे कहते थे कि अभी 1% होम्योपैथी का मैंने जाना है। अब इतने बड़े सीनियर डॉक्टर और ये कह रहे हैं कि अभी 1% जाना है, 99% अभी बाकी है। तो इतनी गहरी है ये पैथी। पढ़ते रहिए और ये वीडियो देखिए, कितने अच्छे से सिम्टम लिखा और एलन्स की नोट में बिल्कुल वही लाइन कैसे लिखी हुई है। थैंक यू। क्या दिक्कत होती है? टॉयलेट करता है तो वाइट वाइट सफ़ेद सा जम जाता है। अच्छा, मतलब जब पेशाब करते तो ठीक रहता है? नहीं, जब दवा कुछ हुई तो सही था, लेकिन फिर वाइट वाइट जम। अच्छा, मतलब जब से जब करते हैं तो पेशाब पेशाब की तरह होता है, वो सफ़ेद रंग का ही तरह होता है? नहीं, उसे पेशाब रंग का होता है, वो पेशाब ही रहता है, लेकिन जब कर लेते हैं ज़मीन पर पड़ा रहता है तो वो सफ़ेद हो जाता है ना। हाँ ठीक।